देखो यार, अभी के टाइम पे बीयर रैंक का न्यू सीजन आने वाला है। सही बात है, लेकिन आप में से काफी सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनका अभी तक मास्टर नहीं हुआ है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है ना। आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग को काफी तगड़ा टिप्स एंड ट्रिक बताया हूँ सोलो का, जिससे आप लोग सोलो के अंदर खेल के काफी इजिली मास्टर लगा सकते हो। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो भाई लोग वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी टिप्स एंड ट्रिक बताए गए हैं एक दूसरे साथ कनेक्ट और काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट एक एक लाइक कर देना अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज की वीडियो बनाने में तुम्हारे भाई का काफी मेहनत लगा है। और चैनल पे न्यू होना तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी टिप्स एंड ट्रिक वीडियोस मिलती है जिससे आप लोग का हेल्प होगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो स्टार्ट करते अपने फर्स्ट टिप्स के साथ, जो होने वाला है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन और लॉर्ड आउट के बारे में। पहले बात कर लेते हैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें फर्स्ट में यूज किया मैंने मैक्सिम की एबिलिटी, जो कि काफी काम का कैरेक्टर होने वाला और जिससे आप लोग काफी फास्टेस्ट मेडी मार पाओगे। तो याद से आप लोग मैक्सिम कैरेक्टर ले लेना। उसके बाद बारी आती है मारो कैरेक्टर की, जिससे आप लोग का लॉन्ग रेंज का डैमेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो याद से आप लोग मारो कैरेक्टर लेना। फिर हम लोग का आता है सोनिया का बारी, जो अभी के टाइम पे काफी सारे भाई लोग यूज करते हो, तो आप लोग भी यूज करना, बिकॉज काफी तगड़ा कैरेक्टर है। और भाई इसके एक्टिव स्किल्स में आप लोग यूज करना धीमित्री कैरेक्टर, जिससे आप लोग का हेल्थ भी फुल होगा, प्लस में आप लोग सेल्फ ड्राइव हो पाओगे और सोलो के अंदर काफी काम आएगा। तो भाई लोग ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोग को मास्टर पुश करने में काफी काम आने वाला है। उसके बाद आता है हम लोग का लॉर्ड आउट और पेट का स्किल का बारी, जिसमें आप लोग को काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा पेट के स्किल में, लेकिन आप लोग को लेके जाना है यहाँ पे फैल्को पेट, जो आप लोग को काफी काम आएगा। उसके बाद हम लोग का आता है लॉर्ड आउट, जिसमें आप लोग को लेके जाना है सप्लाई क्रिएट, जिससे आप लोग अगर सेल्फ ड्राइव होके आओगे ना सोलो के अंदर, वहां पे आप लोग को हब में 60 SMGO में प्लस में बाइजन और लेवल 1 का वेस्ट, लेवल 1 का हेलमेट मिल जाएगा, जो आप लोग को काफी काम आएगा। अगर लैंड होते ही कोई बंदा मिल जाता है ना, वहां पे बाइजन गन काफी हेल्प करता। तो याद से आप लोग यही लॉर्ड आउट यूज करना। और जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोग को बताया उन्होंने, वो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अभी के टाइम पे मैं भी यूज करता हूँ और काफी हेल्प मिलता है। तो जरूर से यही लॉर्ड आउट और कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉलो करना। उसके बाद आता है टिप्स नंबर 2 की बारी, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि भाई आप लोग सोलो के अंदर परफेक्ट लैंडिंग कैसे कर सकते हो। यहां पे देख सकते हो मैं जाने वाला हूं क्लॉक टावर, जहां पे काफी सारे बंदे आएंगे। आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि भाई सोलो के अंदर है सेल्फ ड्राइव सिस्टम। अगर आप लोग 2 मिनट से पहले मरते हो ना, तो एक बार काफी इजीली सेल्फ ड्राइव हो पाओगे, जो आप लोग को काफी हेल्प करता है किल्स निकालने में। तो यहां पे मैं जाने वाला हूं क्लॉक टावर, जहां पे काफी सारे बंदे आएंगे और वहां से काफी सारे किल्स निकालने का मैं ट्राई करूंगा। सेम ट्रिक आप लोग भी लगाना, जो आप लोग काफी सारे किल्स दे सकता है और लास्ट जोन में काफी हेल्प करता है। अगर आप लोग लास्ट जोन में किल्स नहीं निकलता है ना, तो स्टार्टिंग किल्स काफी हेल्प करेगा रैंक प्लस करने में। तो ये ट्रिक आप लोग जरूर से यूज करना। अब हम लोग का आता है टिप्स नंबर 3 की बारी, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि फर्स्ट बार आप लोगों ने लैंड करा क्लॉक टावर पर, यानी कि हॉट ड्रॉप लिया किल्स निकालने के लिए, और आप लोगों ने 3-4 किल निकाल भी लिया और फिनिश हो गए, लेकिन सेल्फ ड्राइव होकर कहां पे लैंड करें, यही कंफ्यूजन रहता है और यहीं पे आप लोग माइनस लगवाते हो। तो पहला एक चीज याद रखना, जहां पे फिनिश हुए हो ना, वहां पे बिल्कुल लैंड मत करना, बिकॉज कि वहां पे पहले से ही बंदा रहता है और आप लोग रिवेंज लेने के चक्कर में फिनिश हो जाते हो कि भाई जो बंदा मेरे को फिनिश किया उसको तो फिनिश करेंगे और वहां पे जाके आप लोग खुद मर जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, आप लोग बिल्कुल साइड में जाना। जैसे कि यहां पे देख सकते हो मैं फिनिश हुआ क्लॉक टावर पे और वहां से मैं आ गया हैंगर पर, और यहां पे मैं अच्छा खासा लूट करूंगा, फिर जो बंदा मेरे को फिनिश किया ना उसको जाके फिनिश करूंगा। तो भाई ऐसे भी आप लोग रिवेंज पूरा कर सकते हो, जिससे आप लोग का रिवेंज भी पूरा हो जाए और रैंक भी माइनस ना लगे। तो ये ट्रिक काफी काम का होने वाला है, जरूर से यूज करना सेकेंड लैंडिंग वाला। और ये ट्रिक मैं हमेशा यूज करता हूँ सोलो रैंक उसमें और काफी काम आता है। और सोलो रैंक पुशिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है गन कॉम्बिनेशन में, यानी कि लॉन्ग रेंज में कौन सा गन यूज करे और क्लोज रेंज में कौन सा गन यूज करे, जिससे काफी अच्छा खासा किल्स निकाल पाए। तो भाई बात करते हैं टिप्स नंबर 4 का, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गन कॉम्बिनेशन के बारे में, जो आप लोग को सोलो रैंक उसमें काफी हेल्प करेगा। पहले बात कर लेते हैं क्लोज रेंज गन्स का, जिसमें आप लोग को यूज करना है एम्प्टेंट हर्ड, जो अभी के टाइम पे काफी तगड़ा चलता है, और ट्रोगन। ये दो गन अभी के टाइम पे शॉर्ट रेंज गन में ना काफी तबाही है। और एसएमजी में आप लोग यूज कर सकते हो बाइजन, जो काफी तगड़ा है। अगर आप लोग के पास स्किन्स नहीं भी है ना, तो ये 3 गन जरूर यूज करना, जो आप लोग को काफी हेल्प करेगा। क्लोज रेंज गन्स की बात कर ही ली है, तो बात करते हैं लॉन्ग रेंज गन्स का, कि भाई लॉन्ग रेंज में कौन सा गन यूज करना चाहिए, जो हम लोग को काफी सारे किल्स निकालने में काफी काम आएगा। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई लॉन्ग रेंज गन्स काफी
काम आता है सोलो के अंदर, बिकॉज की लॉन्ग रेंज फाइट काफी ज्यादा होता है। तो भाई एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोग के पास अच्छे खासे गन स्किन्स है यानी कि ईवो गन स्किन्स वगैरह है ना, फिर आप लोग कोई सा भी गन यूज कर सकते हो लॉन्ग रेंज में। लेकिन अगर आप लोग के पास अच्छे खासे गन स्किन्स नहीं है, फिर आप लोग क्या करना, मार्कमैन राइफल यूज करना, यानी कि SKS, SPDY, वुडपैकर, ये सारे गन्स काफी तबाही चलते हैं और मैं भी यूज करता हूँ आज के टाइम में, काफी ओवर पावर चलते हैं। लेकिन आप लोग हमेशा कमेंट करते हो कि भाई आप स्कार यूज करो, आप स्कार काफी तबाही चलाते हो, इसलिए मैं स्कार 3rd यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये गन स्किन्स है ना, फिर आप लोग कोई सा भी गन यूज कर सकते हो। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ M10 3rd जो काफी तगड़ा है, उसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ स्कार 3rd जो काफी तगड़ा चलता है स्किन के साथ। मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, भाई आपके पास स्किन्स है ना तो आप कोई सा भी गन्स यूज कर सकते हो। अगर आपके पास स्किन्स नहीं है ना, फिर आप लोग मार्कमैन राइफल यूज करना। बिकॉज क्या होता है, जब मैं स्कार यूज करता हूँ, सामने कोई बंदा SPDY या वुडपैकर लेके रहता है ना, तो वो बंदा मेरे को जल्दी फिनिश कर देता है बॉडी बॉडी मार के। लेकिन स्कार का हेड लगता है ना, तभी वो फिनिश होता है। यानी कि SPDY, SKS ये काफी ओवर पावर है, तो जरूर से यूज करना। अब बात करते हैं कि भाई आप लोगों को मैंने 4 टिप्स ऑलरेडी बता दी और भाई ये चारों टिप्स काफी काम के होने वाले हैं, जरूर से यूज करना है। लेकिन अब बारी आती है टिप्स नंबर 5 की, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ 3rd पार्टी के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो भाई, एक बंदा मैंने नॉक किया, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, मेरे साथ 3rd पार्टी होता है, दो दो बंदे यहाँ पे आ जाते हैं। यानी कि जिस बंदे को मैंने नॉक किया था वो भी रिवाइव हो जाता है और एक बंदा यहाँ पे और भी आ जाता है। तभी क्या होता है, उन दोनों में फाइट होता है और वहाँ पे एक बंदा फिनिश हो जाता है। और भाई एक चीज आप लोग को बहुत क्लियर बता देता हूँ यहाँ पे, अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, टाइम काफी बचा है न्यू सीजन आने का, यानी कि न्यू सीजन बहुत ही जल्दी आने वाला है और जो सीजन अभी चल रहा है ना काफी जल्दी जाने वाला है। और इसी वजह से काफी सारे भाई लोग क्या कर रहे हैं, मास्टर के लिए पुश कर रहे हैं और इसीलिए 3rd पार्टी काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो भाई इस चीज से आप लोग बिल्कुल बचना है। यहाँ पे देख सकते हो एक ही बंदा बचा हुआ है, जोन भी मेरे पास आ रहा है। लेकिन क्या होता है, मेरे पास अच्छे खासे गन कॉम्बिनेशन है ना, ये मेरे को काफी हेल्प करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो M10 3rd का रेंज कितना ज्यादा है, वो बंदा मेरे से बाइजन से फायर कर रहा है, लेकिन M10 3rd से मैंने उसको ईजिली यहाँ पे फिनिश कर दिया और काफी काम आता है M10 3rd। तो भाई जो टिप्स मैंने बताया आप लोग को गन कॉम्बिनेशन का, जरूर से यूज करना और याद रखना हमेशा कि भाई अभी के टाइम पर ना 3rd पार्टी काफी ज्यादा होता है और 3rd पार्टी से बचना। उसके बाद बारी आती है टिप्स नंबर 6 का, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जब भी आप लोग का टॉप 10 हो ना, उसके बाद थोड़ा सा आप लोग होल्ड कर लेना। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हो, आप लोग क्या करते हो, जैसे आप लोग का टॉप 10 होता है वैसे आप लोग रश करना स्टार्ट कर देते हो और टॉप 5 होने से पहले ही फिनिश हो जाते हो। तो भाई ये चीज आप लोग मत करना, जिससे आप लोग का बोया छूट जाए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मेरा टॉप 10 हुआ ना, वैसे ही थोड़ा सा होल्ड कर लिया और जोन टू जोन रोटेट कर रहा। तो भाई सेम ट्रिक आप लोग भी लगा सकते हो और काफी जल्दी मास्टर चले जाओगे, जो ट्रिक आप लोग को बता रहा हूँ। बिकॉज की लास्ट जोन में ना ये ट्रिक काफी काम आता है। और भाई जोन में आते ही एक बंदा मेरे पे रस करता है, यहाँ पे देख सकते हो एक बंदा गाड़ी से आता है, मेरे को यहाँ पे दिख जाता है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा होल्ड करता हूँ यहाँ पे, मैं सोचता हूँ क्लोज में आएगा तब फायर करूंगा। भाई ये चीज भी आप लोग लगा सकते हो लास्ट जोन में, कि बंदा आपके क्लोज आए ना तब आप लोग फायर करना स्टार्ट करना। यहाँ पे देख सकते हो जैसे वो घर के अंदर आया ना, वैसे मैंने M10 से उसको काफी ज्यादा डैमेज कर दिया और M10 का रेंज देख सकते हो कितना तगड़ा उसको डैमेज करा। फटाफट इसको फिनिश करते हैं, अब लास्ट बंदा बचा हुआ है जिसको फिनिश करके इजीली इस गेम को बुइया निकाल लेंगे। और जो ट्रिक आप लोग को ये वाला बताया हूं ना, टिप्स नंबर 6, काफी काम का होने वाला और लास्ट जोन में आप लोग को काफी हेल्प करेगा। सो वाले को बात करते हैं टिप्स नंबर 7 का, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ लास्ट जोन के बारे में, यानी कि 1v1 फाइट के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो उस बंदे को मैंने स्कार से काफी ज्यादा डैमेज कर दिया और भाई मेरे पास काफी अच्छा खासा एडवांटेज है उस वाले बंदे पे रश करने का। भाई लास्ट बंदा बचा हुआ है और 1v1 फाइट में जैसे ही सामने वाले को आप डैमेज दो ना, वैसे ही रश कर देना। बिकॉज कि उस टाइम वो पैनिक हो जाता है मेडी मारने के लिए और आपके पास काफी अच्छा खासा एडवांटेज रहेगा उस पे रश करने का। और भाई नेड का काफी तगड़ा आप लोग यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो उसको मैंने काफी तगड़ा डैमेज दिया है M10 3rd से और फटाफट उसको फिनिश करते हैं और ये गेम को काफी इजिली हम लोगों ने बुइया निकाल लिया है। और जो जो ट्रिक आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताया हूँ ना, 7 ट्रिक, ये 100% वर्किंग ट्रिक है और अभी के टाइम पे सोलो के अंदर यही ट्रिक काम कर रहे हैं और काफी तगड़ा आप लोग को इससे प्लस मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो मेरा काफी तगड़ा प्लस पड़ा है मास्टर 2 स्टार पे। अगर आप लोग मास्टर के लिए पुश कर रहे हो ना, इससे ज्यादा आप लोग को प्लस लेगा और किल्स भी यहाँ आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा मैंने निकाला है। सो आई होप करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोग को काफी हेल्प होगा मास्टर पुश करने में। तो वीडियो को याद से एक लाइक कर देना और भाई लोग चैनल पे नहीं होना तो सब्सक्राइब कर ही लो, बिकॉज के इस चैनल पे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक वीडियो मिलती है जिससे आप लोग का हेल्प हो। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। और भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, बाय बाय।